वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आर्थिक मंदी पर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हर दिन मंदी की खबर और इस पर बीजेपी सरकार की खामोशी दोनों ही खतरनाक है। आर्थिक मंदी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज भी ट्वीट करते हुए इकोनॉमी को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कई आरोप लगाए। आर्थिक मंदी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आज भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आर्थिक मंदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। प्रियंका गांधी ने देश में आर्थिक मंदी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर दिन मंदी की खबर और हर दिन बीजेपी सरकार की इस पर खामोशी दोनों बहुत खतरनाक हैं। इस सरकार के पास न हल है न देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल है। साथ ही उन्होंने सरकार को कहा कि केवल बहानेबाजी, बयानबाजी और अफवाह फैलाने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले अपने एक और ट्वीट में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर निशाना साधा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सरकारी खजाने को खाली करके आम जनता की जेब काटने का आरोप लगाया। अपने इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि खजाने को खाली करके भाजपा सरकार अब वसूली जनता पर महंगाई का चाबुक चला रही है, कैसी सरकार है ये। इससे पहले भी प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए आर्थिक मंदी पर सवाल खड़े कर चुकी है। हालांकि सरकार और बीजेपी प्रवक्ता लगातार आर्थिक मंदी को लेकर पक्ष रखते रहे हैं और कहते रहे हैं कि सरकार ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। ऐसे में विपक्ष बेवजह की राजनीति ना करे। जाहिर है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कांग्रेस प्रवक्ता तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार ट्वीट कर इस मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटी है। हालांकि सरकार और बीजेपी लगातार आर्थिक मंदी को लेकर ये कहते रहे हैं कि उसे निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।